नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण आज पूरा विश्व परेशान है। हमारा देश भी लगभग 3 महीने से लॉकडाउन में चल रहा है और इस लॉकडाउन के कारण सभी काम धंधे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं और घरों में बैठे हैं। तो ऐसे में एक संस्था जो महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, वो ऐसी संस्था है जो इस लॉकडाउन का भी भरपूर उपयोग किए और इसको काम मिलाए। घर में खाली बैठे रहने से बेहतर था कि इस बर्बाद होते समय को यूटिलाइज किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की, जिन्होंने इन 3 महीने का लॉकडाउन का खूब बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाया। और सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाया, महिलाओं और बच्चों को कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का जज्बा भी पैदा किया। तो आज बात करते हैं मारवाड़ी महिला सम्मेलन की मधु डूंगरेवाल जी से। आज जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया और महिलाओं और बच्चों को क्या नया कुछ सिखाया और नई जानकारियां दी। साथ ही उनसे जानेंगे कि उनका ये तजुर्बा कैसा रहा। मैं मधु डूंगरेवाल, अभी आप किस पोस्ट में हैं? अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पश्चिम बंगाल प्रांत पर्यावरण प्रमुख। हम लोगों ने देखा कि ये जो लॉकडाउन आई, इसमें एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों को देखने को मिला। आपका एक्सपीरियंस कैसा था लॉकडाउन में? हमारा सम्मेलन की ओर से बोले तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब समय जो है हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेता है। लॉकडाउन में जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आज की परिस्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये हमारे सॉल्यूशन ले आए। आपने इलेक्ट्रॉनिक की बात की, इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? हमने स्मार्टफोन के माध्यम से बहुत तरह के महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है। सम्मेलन ने इस पर कदम उठाया है। लॉकडाउन की स्थिति में हमारे पास कुछ भी अगर करने को नहीं था, तो सम्मेलन ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्मार्टफोन ट्रेनिंग दी। फ़ोन के माध्यम से ही ये ट्रेनिंग हुई। आप लोगों ने जो ट्रेनिंग किया, उसमें उसका मैसेज क्या था, मैंने क्या बताना चाह रहे थे? जैसे बहुत सी महिलाओं को स्मार्टफोन होते हुए भी उसे हैंडल करना नहीं आता है, उसमें बहुत से उपयोग हैं, तो उस उपयोगिता को बताने वाली हमने ट्रेनिंग दी कि किस तरह से वो लोग स्मार्टफोन में क्या क्या काम कर सकती हैं। व्हाट्सएप जैसे आज के समय का सबसे ज़्यादा काम में आने वाला ऐप है, उसमें वो क्या क्या कर सकती है। नॉर्मल में हम लोग विशेज ग्रीटिंग्स करते हैं अपनों को, वो किस तरह से वो लोग कार्ड खुद से बना सकती हैं, मैसेजेस कैसे कर सकती हैं, गूगल में कैसे वो लोग काम कर सकती हैं, ट्रेन टिकट बुकिंग, ईमेल अकाउंट बनाना, इस तरह की जितनी भी उपयोगिता है स्मार्टफोन की, वो राष्ट्र लेवल पर हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पहले तो राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पर, प्रांत लेवल पर दी गई, फिर वहाँ से ट्रेनर्स तैयार होके शाखा लेवल पर ट्रेनर तैयार किए गए, और इस तरह से 20,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये तो एक टॉपिक था, इसको छोड़कर के दूसरे टॉपिक पे आप लोगों ने कुछ काम किया? हाँ, बहुत सी टॉपिक्स पे किया। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो हमारी हेड है रूपा जी अग्रवाल, उनके संरक्षण में हम लोगों ने सबसे पहले स्मार्टफोन ट्रेनिंग दी है। उसके बाद महिलाओं की जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के भी बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट चालू किया, सामान्य ज्ञान। तीसरा प्रोजेक्ट उनका है कुकिंग, जो हमारी पारंपरिक व्यंजन है जो अभी लुप्त हो गई आज की जनरेशन में, उसको फिर से उजागर करने के लिए उन्होंने पारंपरिक व्यंजन का शुरुआत किया कि सभी कोई हम लोग एक दूसरे से शेयर करें। और अब चौथा उनका बैंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसका रिस्पांस कैसा मिला और इस प्रोग्राम में कहां कहां से लोग पार्टिसिपेट किए? यह प्रोग्राम हम लोग का ऑल इंडिया स्तर पर चल रहा है और इतनी महिलाएं, जितनी सम्मेलन की महिलाएं हैं वो लोग तो जुड़ी हुई हैं ही, साथ में सभी समुदाय को लेकर ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ओपन टू ऑल है और सभी समुदाय की महिलाएं जुड़ रही हैं और काफ़ी सराहाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने बाल विकास पर भी ध्यान दिया है। आप जब प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्पीकर को आप लोगों ने देखा होगा,
ऐसे कुछ स्पीकर हैं जिनकी बातें आपको अच्छा लगा और लगा कि इनके बातों को और लोगों तक एक्सटेंड करना चाहिए? हाँ, कई स्पीकर्स को बुला के हम लोग ने वेबिनार्स करवाए हैं। जिस तरह से सेमिनार होते हैं, अभी लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं तो वेबिनार हो रहे हैं ऐप के थ्रू, और उसमें कई तरह के स्पीकर्स आए। पर्यावरण के स्पीकर आए तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता हुई, जिससे हम लोगों ने नो प्लास्टिक को फेवर किया और थैला वितरण भी किया अपने अपने शहर में। और आए हैं हमारे स्पीकर्स जैसे गर्भाधान संस्कार के होते हैं कि बच्चे में किस तरह से अच्छे संस्कार आ सके, वो स्पीकर्स आए, वो प्रोग्राम भी बहुत हिट हुआ। फिर एक स्पीकर आई हैं जैसे महिलाओं को साइकोलॉजिकल बैलेंस देने के लिए, श्रद्धा जी का था वो वेबिनार। वो भी लॉकडाउन की परिस्थिति में जो महिलाओं में डिप्रेशन आ रहा है उसके लिए भी साइकोलॉजिकल उनको बुलाया गया। इसके बाद फिर आप लोग फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं? अभी फ्यूचर में हमारे प्लान्स, अभी तो ऑनलाइन ही हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में आप लोग काम करना चाह रहे हैं? अभी जस्ट हमने, हाँ, ऑनलाइन में ही हमने समर कैंप किया। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, आज मैं 8-10 साल से समर कैंप करती आई, पर ये ऑनलाइन समर कैंप करना फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, सब ने काफ़ी इन्जॉय किया। इसमें हमने बच्चों को संस्कार संस्कृति ज्ञान पर समर कैंप 5 दिन का किया, साथ में क्विज और बहुत कुछ जानकारियां दी। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, रिस्पांस कैसा मिला लोगों का? बहुत अच्छा, क्योंकि घर बैठे एक तो ये वेबिनार अटेंड करना है, जाने आने की असुविधा नहीं है, प्लस समय नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं है, अपने घर बैठे ही अटेंड कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी, सभी वेबिनार में जुड़ सकते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, उससे अपना ही तरक्की होती है। कोविड-19 आने की वजह कर हम लोग को एक नई दुनिया देखने को मिला, अभी भी ये जंग जारी है और हम लोग इसके साथ लड़ रहे हैं। चलते चलते आखिर में बस ये आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आखिरी वक्त में क्या मैसेज है लोगों को दिया आपके पास? समय सब कुछ सिखा देता है। ऐसे तो कोविड के जो रूल्स हैं वो तो हमें फॉलो करना ही है, स्टे होम स्टे सेफ, पर उसके साथ ही हम अपने आप को कैसे जागरूक रखें। अगर हम कुछ पॉजिटिविटी रखेंगे अपनी लाइफ में तो हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, सबसे पहले तो जो स्थिति बना रही है, और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से दूसरे भी प्रेरणा ले पाएंगे। हम ऐसा कुछ कार्य करें कि हमारे भीतर अगर कुछ है तो हम दूसरों से बांट कर उन्हें भी प्रेरित कर सकें। चलिए, आपके शेड्यूल बिजी थे, आपने हमारे चैनल से बात किया, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।